हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फीचर ऑफ किचन में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम एक नई रेसिपी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम अपने किचन में बहुत ही टेस्टी अंडा और आलू का कढ़ी बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा। अंडा आलू का कढ़ी बनाने की सारी सामग्री हमने पहले से रेडी करके रख ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 6 अंडा लिया था जिसे पहले से बॉईल करके ले लिया है, और ये हमारा 2 से 3 आलू था जिसे हमने साफ करके कट कर लिया है, बड़ा बड़ा पीस काटा है इसका। और ये हमारे ग्रेवी बनाने के लिए है, साबुत खड़ा गरम मसाला है, अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया है। 2 प्याज को हमने महीन कट करके ले लिया है, 1 टमाटर हमने कट करके ले लिया है। इन्हीं सब चीज़ों से हम अपना अंडा आलू का कढ़ी बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए चलते हैं अंडा आलू का कढ़ी बनाने। सबसे पहले हम अपने आलू और अंडे को फ्राई कर लेंगे। अंडा को फ्राई करने से पहले हम अपने अंडे में कूल कर लेंगे, ताकि हमारा ग्रेवी अंडे में अच्छे से खिल जाए। इस तरह से अपने सारे अंडे में कूल कर लेंगे। हमने गैस पे कढ़िया पहले चढ़ा के रख दिया था। कढ़िया गर्म हो चुका है, हम इसमें ऑयल डालेंगे। चार बड़े चम्मच से हमने ऑयल डाल दिया है। हम इन मसालों का पेस्ट बना लेंगे। गरम मसाला, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का हम पेस्ट बना लेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम अपने आलू को फ्राई कर लेंगे। सारे आलू को हम डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करके निकाल लेंगे। हम अपने आलू को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारे आलू का कलर ब्राउन नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारा आलू हल्का फ्राई हो रहा है। हम अपने अंडे में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च इसमें मिला लेंगे, और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा आलू बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सभी को हम निकाल लेंगे। अब हम अपना अंडा फ्राई करेंगे। सारे अंडे को हम इसमें डाल देंगे ऑयल में। हम अपने अंडे को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। हमारा अंडा फ्राई हो गया है, अंडे का कलर बहुत ही सुनहरा आया है। हम इसे निकाल लेंगे। एक एक करके हम अपने सारे अंडे को निकाल लेंगे। देख सकते हैं, हमने अंडे और आलू को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें तड़का देंगे। तड़का देने के लिए हमें 2 तेज़पत्ता डाला है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, 1 सूखी लाल मिर्च डाले हैं। हमारा जीरा चटक चुका है, तड़का अच्छे से फ्राई हो गया है। और हमने जो प्याज कट किया था वो प्याज डालेंगे। हम अपने प्याज को ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो गया है। हमने जो मसाले का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, हमने 1 चम्मच डाला है। हम अपने मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जब तक हमारा मसाला ऑयल नहीं छोड़ेगा, तब तक हम अपने मसाले को अच्छे से भून लेंगे। हमने जो टमाटर कट करके रखा था वो टमाटर डालेंगे, ताकि हमारा टमाटर मसाले के साथ पक जाए। मसाले के साथ साथ टमाटर भी हमारा बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। हमने जो आलू फ्राई किया था वो आलू डाल देंगे, ताकि हमारा मसाला आलू में अच्छे से खिल जाए। मसाले के साथ साथ हमारा आलू भी थोड़ा पक जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। हमने जो अंडा फ्राई किया था वो सारा अंडा इसमें डाल देंगे। हम अपने कढ़ी को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ढककर पका लेंगे। दोस्तों, हमारा कढ़ी है बनकर रेडी। आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है। हम अपने गैस को ऑफ कर देंगे।
दोस्तों हमारा अंडा और आलू का कढ़ी है बनकर रेडी, जो कि बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इसी तरह से अंडा आलू की कढ़ी बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।